एवरीवन, आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी एनालिसिस करने वाले हैं कि कल कल और अगले वीक में क्या ट्रेड हो सकता है और क्या ही निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या ट्रेड बन सकती है। तो अभी हम वही डिस्कस करेंगे कि क्या ट्रेड बन सकती है और ऑप्शन चेन भी देखेंगे कि कहाँ पर कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स अपनी पोजीशन बना रहे हैं अगले वीक के लिए, जो कि अगले वीक एक्सपायरी है थर्सडे, उसके लिए देख सकते हैं हम लोग। तो अभी हम देखेंगे सबसे पहले निफ्टी का चार्ट। निफ्टी, आप निफ्टी देख पा रहे होंगे मेरी डेस्कटॉप, आपने इसकी फ़ोन की स्क्रीन या डेस्कटॉप जिस पे भी आप देख रहे हैं उस पे, कि निफ्टी एक डाउनवर्ड चैनल में काम कर रहा है। आप चैनल देख सकते हैं, ये रहा जो मैंने ये चैनल बना रखा है, आपने देखा होगा, मैं इसे थोड़ा डार्क कर देता हूँ। देखिए ये वाला चैनल, ये जो ब्लैक कलर का चैनल है, ये देख सकते हो अभी डाउनवर्ड चैनल में काम कर रहा है निफ्टी अभी तक। मतलब एक दो बार डिप आया, ये देखिए एक बार निफ्टी का डिप, फिर एक अच्छी उछाल आई, तो बट उछाल में किसी भी प्रकार की कोई अच्छी बाइंग नहीं थी, ना ही निफ्टी ने अपना पिछला जो हाई था वो निकालने की कोशिश हो पाई, हो करी बट हो नहीं भाई, कुछ नहीं हो पाया उसके अलावा। तो आप देख सकते हैं कि निफ्टी ने अपना जो पिछला हाई है वो क्रॉस नहीं किया, और निफ्टी पहले जैसा निफ्टी तो अब नहीं रहा जो हर बार डिप आ रही थी और बाय हो रहा था। मोस्ट ऑफ टाइम हम लोग देख रहे थे छोटी छोटी डिप, ये देख सकते हैं छोटी डिप, ये छोटी डिप, सारी बाइंग हुई, बट इस बार जो डिप आई उसमें किसी भी प्रकार की बाइंग नहीं थी। देखिए बहुत कम छोटी सी बाइंग, मार्केट साइडवेज रहा 15 दिन, बट वो बहुत अच्छी, कोई इतनी अच्छी बाइंग नहीं थी। और FIs के डायरेक्ट आप देख ही रहे हैं, पिछले अक्टूबर के लास्ट से सेलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ी है। पिछले महीने भी कम से कम 4,000 करोड़ की सेलिंग करके, 40,000 करोड़ की, सॉरी 40,000 करोड़ की सेलिंग करके गए। तो अब आप देख ही रहे हैं कि निफ्टी बिल्कुल डाउनवर्ड चैनल में चल रहा है। अभी देखिए दो चैनल है, एक ये चैनल है जो कि मेरे डार्क ब्लैक कलर से बनाया है, ठीक है, और एक ये चैनल है, ये जो हम लोग ऊपर से बनाए, इसे मैं थोड़ा डार्क कर देता हूँ आपको, ये कोई और कलर से बना देता हूँ मैं, ये रेड कलर से, ठीक है। देखिए दो चैनल चल रहे हैं अभी, निफ्टी ब्लैक वाले चैनल में और इस रेड वाले चैनल, दो चैनल में ब्रेक कर रहे हैं। निफ्टी ने ये रेड वाला चैनल तो एक बार ब्रेक कर दिया था, और लो नीचे जो कि रिसेंट अपना लो है वो इसने टच किया, देखिए जो कि रिसेंट हाई था वो टच किया, उसके आसपास ही गया, और वहीं से एक छोटी सी बाइंग आ गई है। और अभी आप देख सकते हैं कि पिछले फ्राइडे में क्या ही कैंडल बनी है, ये बियरिश इनगल्फिंग कैंडल बोलते हैं। देखिए इस कैंडल को जब कोई एक बड़ी बाइंग कैंडल को पूरी एक सेलिंग कैंडल, मतलब रेड कैंडल ग्रीन कैंडल को कवर कर ले ऊपर से नीचे की तरफ, और पूरी कवर कर ले, देखिए आपने बहुत बड़ी कैंडल है कहाँ खुला ऊपर और बिल्कुल डायरेक्टली नीचे तक तो कवर कर ले, इसे हम बियरिश इनगल्फिंग कैंडल कैंडल बोलते हैं ज़्यादातर हमारी भाषा में, जो कि टेक्निकल की भाषा में बोलते हैं हम लोग। तो इसमें अभी सेलर्स काफ़ी हद तक, बहुत हद तक, मतलब बहुत ज़्यादा हैवी है, और वो निफ्टी को किसी भी तरीके से बढ़ने नहीं दे रहे। मोस्टली टाइम तो ये सारे FIs हैं जो कि निफ्टी और पूरे भी इंडियन मार्केट में अभी सेलिंग कर रहे हैं। और ये देखिए इस कैंडल को देख के तो हमें लगता है कि कल एक अच्छी गैप अप ओपन हो सकता है, और उसके बाद निफ्टी करेक्ट मुझे लगता है कि 17,000 तक भी हो सकता है। अगर 17,000, अभी ये आप देख सकते हैं ये रेड वाला चैनल, जो दूसरा चैनल जो रेड चैनल है और एक ब्लैक चैनल है, ठीक है, ब्लैक चैनल का कल हाई वहीं तक इसने एक हाई बनाया और उसके बाद से नीचे। अभी इस रेड चैनल, अगर रेड चैनल को कल ये निफ्टी क्लोज करता है या इसके नीचे जाने की कोशिश करता है, तो मुझे लगता है सेलिंग एक ज़्यादा हद बढ़ सकती है, मतलब काफ़ी हद तक बढ़ सकती है, बहुत ज़्यादा हद तक, बहुत, और 17,000 तक के लेवल हम लोगों को लगता है कि मिल ही जाएंगे। अभी देख रहे हैं ये पिछला इसका जो लो है वो है 17,067 का लो है, बट अगर निफ्टी अगर अपना ये कल का लो, मतलब ये परसों जो कि इसका था थर्सडे का लो, जो एक्सपायरी वाले दिन का लो था 17,150, अगर इसे क्रॉस करता है नीचे से तोड़ते हैं, तो मुझे लगता है एक अच्छी सेल या ऑप्शन में पुट बाइंग में बढ़िया से ट्रेड बनेगा, जो कि 17,000 तक, हम लोगों को लग रहा है कि 17,000 तक का लेवल होगा जो कि मिल सकता है इस वाली ट्रेड में, बट हम लोग कल वेट करेंगे। वैसे अभी तो अभी हम देख सकते हैं SGF निफ्टी भी देख सकते हैं आप, ये 80 पॉइंट, ये देख सकते हैं मेरा कर्सर 17,174, 80 पॉइंट नीचे दिखा रहे हैं मार्केट, पूरा US मार्केट भी मैं आपको दिखाऊंगा कि बिल्कुल निगेटिवली बंद हुआ है, वो भी ज़्यादा अच्छी बात तो नहीं है। अब निफ्टी मुझे लगता है 150 के नीचे खुला तो मुझे लगता है कि वन साइडेड 17,000 को टच करेगा अगर 150 के नीचे खुला, क्योंकि वो अपने जो रिसेंट लो है, जो परसों की कैंडल थर्सडे की कैंडल है, उसके नीचे खुलेगा, और फिर मुझे लगता है कि सेलर्स हैवीली से नीचे लेके जाएंगे 17,000 तक, और 17,000 पे हैवीएस्ट कॉल राइटिंग या पुट राइटिंग बैठी है, वो भी हम ऑप्शन चेन देखेंगे तो बताएंगे। और आपको एक थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे आप लोगों को और कुछ भी दिखा दे, और भी दिखा देता हूँ मैं, इसे मैं थोड़ा सा भी ऐसे कर देता हूँ जिसमें आपको आसानी से मैं चार्ट दिखा पाऊँ। देखिए
निफ्टी में एक पैटर्न बन रहा है जिसे हम बोलते हैं हेड और शोल्डर पैटर्न, मतलब बहुत रिकॉग्नाइज पैटर्न है, ज़्यादातर लोग जानते हैं कि क्या पैटर्न होता है। ये रहा पैटर्न, देखिए निफ्टी ने ये एक हाई बनाया, एक लो के पर नीचे आया, फिर एक हाई बनाया, फिर एक नीचे लो बनाया, फिर एक हाई बनाया और एक ये लो बनाया, जिसका ये जो नीली वाली लाइन मैंने बना रखी है इसे आप देख सकते होंगे, ये नीली वाली लाइन इसकी ये जो है ये लेबल है जो कि इसने तोड़ दिया। मतलब मोस्टली टाइम हम लोगों को तो ये लेबल मिल गया था कि ये 17,700 जो टूटा, तो उसके बाद से निफ्टी में एक वन साइडेड सेलिंग मिली। हेड और शोल्डर पैटर्न है तो इसका करेक्शन अब लोग देख सकते हैं कि कहाँ तक निफ्टी हेड और शोल्डर पैटर्न के अनुसार जो भी है उसके हिसाब से कितना कनेक्ट हो सकता है। तो जो लेंथ होती है नेक लाइन की लेंथ, नेक लाइन लेंथ के नीचे उतना ही नीचे हम लोग देखते हैं तो वही उसका निफ्टी का या जो भी स्टॉक होता है, जो भी टेक्निकल के हिसाब से टारगेट आता है वही आता है। तो ये 100 अभी 17,452 के हिसाब से अभी ये यहाँ तक है, हम लोगों को मिल रहे हैं 1,150 पॉइंट अराउंड। तो 1,150 पॉइंट मान सकते हैं आप यहाँ से 17,400, तो मान के चलिए 16,200 या 16,000 तक के अराउंड लेवल। मुझे तो लगता है कि पैटर्न बना है तो शायद वो पूरा ही अपना ट्रेड के हिसाब से चलेगा, जो भी ट्रेड बनना है मार्केट में तो वो तो होना ही चाहिए। और निफ्टी में बहुत सारी ट्रेड, बहुत सारे निगेटिव फैक्टर्स आपको पहले दिख गए, कोविड आ रहा है और बहुत सारी चीज़ें हैं, यूएस मार्केट भी करेक्शन में है। और देखिए ये बड़ा एक चैनल ये था जो कि कोविड के बाद से, करेक्शन के बाद से मार्केट ने कभी इस चैनल को नहीं निकाला और आज इस चैनल के को भी काफ़ी समय पहले देखिए पिछले हफ्ते तोड़ दिया था और उसके चैनल के नीचे ही अब काम कर रहा है। अभी मुझे लगता है कि 17,000 फिर 16,700 दो लेवल, मुझे तो ऐसे लगते हैं कि ये लेवल आने हैं निफ्टी में। बट अगर आप देख सकते हैं, ये तो हम टेक्निकल्स बात कर रहे हैं टेक्निकल्स में कि क्या लेवल बन सकते हैं, कैंडल भी अच्छी नहीं है। और 17,196 पे क्लोजिंग दी है, 200 के नीचे की क्लोजिंग है। और छोटे टाइम फ्रेम पे भी एक बार बात कर लेते हैं कि क्या हो रहा है निफ्टी में। निफ्टी में कल बहुत अच्छी ट्रेड भी बनी फ्राइडे वाले दिन, देखिए ये वाली जब ये लेवल निकला, एक ये चैनल चल रहा था, हम छोटे टाइम फ्रेम पे भी एक चैनल देख रहे थे, जब इस चैनल को तोड़ा जो कि 345 उसके बाद से निफ्टी ने डायरेक्ट करेक्ट किया 180 तक का, मतलब काफ़ी अच्छा करेक्शन मिला और अच्छे पैसे भी बने होंगे। पुट राइटर्स ने तो नहीं, मतलब अच्छे ऑप्शन बाइंग में बढ़िया पैसे बने होंगे। बट अभी निफ्टी में एक और चैनल चल रहा है छोटे टाइम फ्रेम पर। वैसे मैं चैनल्स के हिसाब से काम करता हूँ कि क्या निफ्टी का व्यू है पहले मैं देख लेता हूँ, क्योंकि हम लोग लॉन्गर टाइम फ्रेम पे देखते हैं निफ्टी बिल्कुल नेगेटिव है, तो हम लोगों की सोच ये होती है कि नेगेटिव टाइप पे एक अच्छा ट्रेड मिलेगा तभी अच्छे ज़्यादा पैसे मिलेंगे, ऐसी मार्केट में तो फिर लॉन्ग करके तो पैसे नहीं मिलने वाले। अब ये शॉर्टर टाइम फ्रेम पे, दो टाइम फ्रेम पे देखिए, ये अगर इस चैनल के नीचे ओपनिंग होती है किसी भी तरीके से या इस प्राइस के ऊपर, मतलब 200 250 52 के ऊपर ओपनिंग होती है, तो हम लोग देखेंगे कि हाँ कम से कम 300 300 के लेवल निकलेंगे, या 300 फिर क्रॉस होता है तो फिर एक लॉन्गर हो सकता है। बट अभी तो हम लॉन्ग साइड पे तो हम लोग ट्रेड करने की नहीं सोचेंगे, अभी हम सोचेंगे कि नीचे ही ट्रेड मिले ऑफ या तो फिर ऊपर सेल करने के लिए बढ़िया मौका मिलेगा। अगर ये देखिए ये अगर खुलता है, अभी 210 दिखा रहे हैं, अगर ये इस चैनल के नीचे ओपन होता है किसी भी तरीके से, इस चैनल के नीचे ओपन होता है 3:30, फिर हम 15 से 20 मिनट तो वेट करते हैं। मतलब मेरा ट्रेड यही होता है कि मैं तो 10 बजे के बाद ही मोस्टली, कि 9:50 और 10 बजे के बाद ही कोई ट्रेड में एंटर होता हूँ, तो उससे पहले मैं मार्केट को स्टेबल होने देता हूँ कि जो भी हो रहा है वो हो जाए। तो अगर ये ट्रेड इसके नीचे होता है और सेटल नहीं होता है, मतलब अगर 200 के नीचे ही ओपन होता है और 200 के ऊपर ही 15 से 20 मिनट रहता है, तो हमारा ट्रेड तो बिल्कुल ही कंफर्म हो जाएगा कि हम शॉर्ट में ही रहने वाले हैं। वैसे भी है काफ़ी हद तक कि हम शॉर्ट ही साइड पे ट्रेड लेने वाले हैं। अगर ये क्रॉस होता है, इसके नीचे खुलता है, तो निफ्टी वन साइडेड नीचे मिलेगा हम लोगों को 200, ये लेवल कम से कम 17,000 तक के, जो कि जो है भी पुट राइटिंग है, आपको वो भी देख सकते हैं। बस इस चैनल के नीचे अगर ओपनिंग होती है तो नीचे को बहुत अच्छे 17,000, मतलब यहाँ से आप मान के चलिए अगर 150 के अराउंड ओपन होता है और हमें ट्रेड 150 पे मिलता है, तो हम लोग 210 के अराउंड स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। फिर वो देखेंगे कि कहाँ पे जाके रुक रहा है या कहाँ ओपन हो रहा है। अभी तो मानने का तो यही है कि 80 पॉइंट का नेगेटिव दिखा रहा है, बट सुबह कुछ भी हो सकता है कि यूएस ऊपर खुल जाए या एसजेक्स निफ्टी फिर पॉजिटिव इंडिकेट करने लगे या 200 के ऊपर ओपन होने लगे, तो फिर देखेंगे कि क्या हो सकता है। फिर इस चैनल को देखेंगे, हम इस चैनल के आसपास ऊपर क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर देखा जाएगा कि लॉन्ग हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
तो फिर वो उसी समय देखा जाएगा सुबह ओपन में कि क्या होता है। बट चांसेस तो यही है कि हम शॉर्ट साइड पे ट्रेड रहेंगे, क्योंकि बहुत अच्छी कैंडल बनी भी नहीं है डे की, वो भी कैंडल बहुत खादा खराब है। और ऑप्शन डेटा भी थोड़ा सा, ऑप्शन डेटा मैं भी आपको दिखा देता हूँ, निफ्टी का ऑप्शन डेटा देख सकते हैं आप। पहले हम लोग कॉल साइड पे बात कर लेते हैं, कॉल्स, ये कॉल्स है निफ्टी का। मैं इसे थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ जो कि आपको देखने में थोड़ी आसानी हो। देखिए अभी हम लोग देख सकते हैं निफ्टी पे 17200, 17200 का कॉल देख सकते हैं आप। अभी 36712 कॉन्ट्रैक्ट खड़े हैं, ठीक है, ये टोटल हुआ है। और जिसमें जो कल जो कि फ्राइडे वाले दिन 22222 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं, ठीक है। तो 17200 पे एक अच्छी कॉल राइटिंग है, कोई बाइंड अनबाइंडिंग नहीं, और कॉल राइटर्स हैं भी लिए कि जो चाहते हैं, मतलब कॉल राइटर्स को मतलब तो आपको पता ही होगा, जो कि चाहते हैं कि निफ्टी जो है इस वाली एक्सपायरी में 17200 के नीचे ही क्लोज होगा। और हम लोग 300 पे भी देख सकते हैं, 300 पे अभी 47829 कॉन्ट्रैक्ट है और 20889 कॉन्ट्रैक्ट के अराउंड आप देख सकते हैं कि ये नए ऐड हुए हैं। तो और सबसे हैवीएस्ट तो देख सकते हैं आप ये रहा 17500, अभी 1,11,000 कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ये एक्सपायरी कंफर्म है कि 17500 के नीचे ही होने वाली है जिस हिसाब से अभी डेटा दिख रहा है ये भी इस एक्सपायरी में, कि अभी है तो हैवीएस्ट तो यहीं पे बैठे हैं लोग। तो 17500 के ऊपर तो अभी मोस्ट बहुत मुश्किल होगा कि ये जाने दें इस एक्सपायरी में। और अगर 17200 के नीचे एक बार से फिर ओपन होता है तो जो ये ऊपर वाले हैं ये थोड़े नीचे शिफ्ट होने लगेंगे और फिर 17200 हैवीएस्ट हो जाएगा यहाँ पे, ये लोग आउटपुट राइटिंग बहुत हैवी, कॉल राइटिंग बहुत हैवी हो जाएगी। और फिर ये नीचे जाके 17,000 और फिर 17,000 के नीचे भी शायद हो सकता है कि खींच दे मार्केट को नीचे तक। अब आ जाते हैं हम लोग पुट राइटिंग्स पे, पुट 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 के डेटा पे। अभी पुट के डेटा पे आप लोग देख पा रहे होंगे 17200 जो कि मेन लेवल है अभी हमारे हिसाब से। अगर 17200 पे आप देख सकते हैं अभी पुट राइटिंग देख सकते हैं 52469, ठीक है, इतने कॉन्ट्रैक्ट खड़े हैं और जिसमें 11034 नए कॉन्ट्रैक्ट पिछले पिछले जो ट्रेडिंग सेशन था उसमें ऐड हुआ। और उससे नीचे आप देख सकते हैं कि अनबाइंडिंग हुई है, मतलब कॉल जो राइटर्स थे वो निकल के गए हैं। यहाँ से भी सर 11,000 कॉन्ट्रैक्ट कटे, यहाँ भी 8,000 के अराउंड कॉन्ट्रैक्ट कटे, 17,000 पे भी और 17,100 पे भी। अभी इनको लगता है कि मार्केट में 17,000 के नीचे भी ना, 17,000 के आसपास भी एक्सपायरी हो सकती है, इसलिए थोड़ा सा ये लोग घबरा के निकल चुके हैं। ऊपर भी देख सकते हैं, ऊपर वाले भी 17,300 वाले भी 26,000 नए कॉन्ट्रैक्ट कट गए, केवल 24,000 कॉन्ट्रैक्ट रह गए। और 17,500 पे तो कुछ भी नहीं है, देखिए ये नीचे सारी अनबाइंडिंग है। इन लोगों ने अपनी जो भी शॉर्ट पोजीशन थी, जो भी लॉन्ग थे, जिस तरीके से जो लॉन्ग की शॉर्ट, मतलब बैंक निफ्टी शॉर्ट की हुई है इन लोगों ने यहाँ पे, मतलब इन लोगों के हिसाब से मार्केट ऊपर रहना चाहिए था 17,200 के, बट मार्केट 17 इनके हिसाब से अभी ये लोग जो जिस हिसाब से निकल के भाग रहे हैं तो ये लोग अब थोड़े से निगेटिव हो रहे हैं। अभी ये लॉन्ग साइड से थोड़ी सी अपनी पोजीशन काट के शॉर्ट साइड में साइड शिफ्ट कर रहे होंगे, या तो इन्होंने डेटा अपना इधर की साइड डाला होगा थोड़ा सा। तो आप देख सकते हैं कि ये निकल के जा रहे हैं। अगर मार्केट 150 के नीचे खुलती है ना, 17,150 ये वाला लेवल, तो शायद बिल्कुल ये लेवल यहीं पे आकर मार्केट एक बार सपोर्ट ले सकता है, वो भी है 17,000 का लेवल, जो कि हैवीएस्ट। देखिए 54,000, देखिए 52,000 के पास सीधे 54,000, तो इसके नीचे ओपन होता है तो ये एक बार नीचे जब ओपन होगा तो एकदम, या तो कह सकते हैं पैनिक में जो भी नए कॉन्ट्रैक्ट होंगे, जो छोटा ट्रेडर होगा जिसके स्टॉप लॉस एकदम से हिट होंगे, जो सुबह पोजीशन लेके गए कि गैप अप ओपन के हिसाब से कि ये गैप अप ओपनिंग मिलेगी मैं अपनी पोजीशन काट लूँगा, वो लोग यहाँ से निकल जाएंगे। और जो भी 2 दिन के हिसाब से, जो भी टाइम फ्रेम, जो भी टाइम डेटा गए उसके हिसाब से, थीटा थीटा जो भी डिके हो रहा होगा उसके हिसाब से भी कुछ लोग पोजीशन लेके गए होंगे। बट ऐसा जो भी होगा, अगर 150 के नीचे ओपन होती है तो ये लोग पैनिक के लिए निकलेंगे और मार्केट एकदम 17,000 का लेवल हम लोगों को देके जाएगा, ठीक है। अगर होता है दूसरा केस कि अगर 250 के ऊपर जाता है मार्केट तो ये हैवीली थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा, बट क्योंकि मार्केट का सेंटिमेंट थोड़ा नेगेटिव है तो मेरे हिसाब से कॉल साइड पे ही लोग ज़्यादा तेज़ी से पोजिशन तो नहीं बनाएंगे। बट उस केस में क्या होगा, रिटेलर जो है वो फंस जाएगा, वो देखेगा कि 100-250 के पास मार्केट जा रहा है, तो वो कॉल राइट कॉल, क्योंकि वो बाइंग करता है तो फिर वो धीरे धीरे कॉल बाइंग करेगा, उसके बाद 300-350 तक शायद हो सकता है एक बार मार्केट खेल दे और फिर ये आके अपने मार्केट को फिर नीचे ले जाएंगे। अभी तक तो ऑप्शन डेटा देख के यही लग रहा है। एक बार हम लोग अब फिर बैंक निफ्टी भी सर्च कर लेते हैं कि क्या कर रहा है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का भी मैं पहले आपको बड़े टाइम फ्रेम पे दिखा देता हूँ। बैंक निफ्टी देखें, बैंक निफ्टी तो बिल्कुल ही डाउनवर्ड चैनल में चल रहा है, मतलब ये चैनल सिंगल चैनल है, ये चैनल बहुत ज़्यादा खराब है, मतलब आप लोग देख सकते हैं। मैं आरएसआई भी एक बार आपको कंफर्म कर देता हूँ, देखिए 34,
34 के अराउंड, 34-20, और अपना 30 जो कि मेन लेवल होता है, कि 30 का लेवल अगर RSI निकल जाता है एक बार, तो मार्केट में वीकनेस या उस इंडेक्स में वीकनेस ज़्यादा बढ़ जाती है। तो एज़ कम्पेयर टू निफ्टी, बैंक निफ्टी तो बहुत ज़्यादा करीब, अभी हम लोग मान सकते हैं वीक है। तो बैंक निफ्टी में अभी अगला ट्रेड अगर क्या होता है, 36,000 टूटता है, तो मोस्टली अभी तो यही है कि 36,000 टूटता है कि नहीं टूटता। अब ओपनिंग सुबह में क्या होती है, इसमें भी देखिए, अभी ये छोटे टाइम फ्रेम पे भी ये एक चैनल चल रहा था, कल ये टूटा, इस चैनल के टूटते ही एक अच्छी गिरावट मिली और अच्छे खासे पैसे भी बने। देखिए 536-500 के आसपास से 36,070 तक के लो लेवल मिले, बढ़िया। अभी इस चैनल में चल रहा है, अगर 317 के ऊपर खुलता है तो शायद एक बार हो सकता है कि ये 500-500, 36-500 तक एक बार जाए, फिर वहाँ से शायद एक बार फिर नीचे मिले हम लोगों को। अगर होता है कि मार्केट 80 पॉइंट नीचे अगर निफ्टी खुलता है, तो शायद ये 200 पॉइंट तो पक्का ही 36,000 के नीचे खुलने वाला है। तो फिर ये मुझे लगता है 35,800 पहला लेवल, और फिर ये जो ब्लू लाइन है, ये ब्लू लाइन भी मैं दिखाऊंगा कि कहाँ से आ रही है, और 35,500, फिर ये दो लेवल शायद हम लोगों को देखने मिलेंगे। अभी मैं तो आपको बड़े टाइम फ्रेम पर दिखा देता हूँ, ये ब्लू वाली लाइन क्या है, ब्लू और ब्लैक वाली लाइन क्या है, ये सारी, ये कुछ चैनल्स हैं जो कि कोविड के दौरान चल रहे थे। जब कोविड स्टार्ट हुआ तो उसके बाद से दो चैनल स्टार्ट हुए, फिर उसका आप चैनल का ब्रेकआउट देख सकते हैं यहाँ पे हुआ बैंक निफ्टी में। उसके बाद बैंक निफ्टी ने इस चैनल को कभी भी बस सपोर्ट एज अ सपोर्ट काम किया, देखिए ये सपोर्ट लिया या आसपास सपोर्ट ही लिया, उसने कभी इसके अंदर एंटर नहीं किया। अगर इसके अंदर एंटर कर जाएगा, इस वाले ब्लू लाइन्स के अंदर, जो ब्लू जोन है इसके अंदर, तो फिर बैंक निफ्टी की वीकनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। फिर बैंक निफ्टी समझिए कि बहुत अच्छा बड़ा करेक्शन हम लोग फिर देखने मिल सकता है, और जो कि करेक्शन मुझे हो सकता है कि निफ्टी का रीसेंट हाई जो है, जो कि उसका कोविड से पहले जो मार्केट का हाई है, शायद वो लेवल जो कि बन रहा है 32,600, मुझे लगता है कि ये लेवल हो सकता है, अगर ये इस वाली ब्लू लाइन के अंदर, अगर ब्लू वाले जोन के अंदर अगर एंटर होता है तो। अब वो देखेंगे कि हम टाइम के साथ कि क्या होता है, कि मार्केट में कैसे क्या चलता है। अभी तो वैसे ही आप जानते हैं कोविड के कारण, कोविड ओमिक्रॉन वायरस जो भी कुछ है वो आना शुरू हो गया है, और दिल्ली में भी केस निकल गया, 3 ऑलरेडी निकल चुके थे, 4-5 केस हो चुके हैं। वैसे मार्केट बहुत मेच्योरली रिएक्ट करता है इस चीज़ों पे, पिछली बार भी हम लोगों ने देखा था कि कोविड की सेकेंड वेव में मार्केट ने उतनी बड़ी करेक्शन तो नहीं दी जितनी में फर्स्ट वेव में करेक्शन मिली, बट इसमें मार्केट थोड़ा बहुत तो करेक्ट तो नहीं करेगा, मतलब बढ़ेगा तो नहीं, करेक्ट हो सकता है कि करे, मैं बढ़ने के चांस मुझे तो अभी थोड़े कम लगते हैं, बट वो टाइम के साथ देखेंगे कि क्या होता है। वैसे भी ये मेरी, आप लोग जो भी अभी का कोई ट्रेड लें, वो अपने जो पर्सनल आपका एडवाइज़र हो या जो भी आपके साथ काम करता हो उससे बिल्कुल सलाह लें। बस मेरा ये व्यू है कि मार्केट में अभी क्या हो सकता है, तो अभी हम लोग देख सकते हैं कि क्या हो सकता है। ये गलत हो गया है तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। बैंक निफ्टी का भी एक बार ऑप्शन का डेटा देख लेंगे। अब ये डाउनवर्ड चैनल में जब तक है तब तक तो हम लोग शॉर्ट में ही रहूँगा। मेरा तो यही है कि जब तक ये चैनल नहीं निकलता या साइडवेज हो जाएगा यहाँ से, बैंक निफ्टी इसी रेंज में साइडवेज हो जाए, तो फिर हम लोग देखेंगे कि साइडवेज में ऑप्शन बाइंग में तो पैसे नहीं बनेंगे, बट देखेंगे फिर टाइम के साथ कि क्या होता है। बट अभी अभी हम लोग यही देखने वाले हैं कि क्या हो सकता है, मोस्टली या तो साइडवेज रहेगा या इस चैनल को फॉलो करता रहेगा नीचे की तरफ नीचे की तरफ। एक बार फिर ऑप्शन का डेटा भी देख लेते हैं, और आप चाहें तो मैं एक बार वीकली कैंडल भी दिखा देता हूँ बैंक निफ्टी का। देखिए वीक निफ्टी अभी तो एक डोजी टाइप कैंडल बन रहा है, क्योंकि अभी एक ही दिन हुआ है, अभी तो 4 दिन बाकी रह गए इस वाले वीक के। नहीं, ये वाला वीक पूरा हो गया है, अभी ये नेक्स्ट वीक शुरू होगा यहाँ से 6 तारीख से, तो डोजी टाइप बंद हुआ है। बट इस डोजी टाइप में मार्केट में क्या ही हो सकता है, देख सकते हैं, वो तो देखेंगे अब आगे कि, बट डोजी कैंडल है शायद यहाँ से मार्केट साइडवेज होने के चांस ज़्यादा है। जब ऐसी कोई कैंडल बनती है तो मार्केट शायद साइडवेज हो जाता है या तो फिर ऊपर जाने के लिए थोड़ा सा रेडी हो जाता है, बट इस बार मार्केट का सेंटिमेंट वैसा है नहीं। और आप देख सकते हैं ये रहा मंथली कैंडल, मंथली कैंडल ने मार्केट निफ्टी ने 2 मंथ की कैंडल को कवर करते हुए इनगल्फ करते हुए कैंडल बनाया। देखिए ये इसमें निफ्टी ने, और फिर अगली दो कैंडल ये वाली जो अभी ये 2-3-4 दिन में मंथली कैंडल बनी है, ये देख सकते हैं बनी है, अभी इसमें कुछ भी नहीं है, मतलब उतना कुछ भी नहीं है। और ये देखिए इसने क्लोजिंग भी अपने पिछले हाई के 2 कैंडलों के नीचे दी है, तो ये अच्छा सेंटिमेंट तो नहीं है हमारे हिसाब से। तो अब देख सकते हैं कि अब क्या हो सकता है, एक बार बैंक निफ्टी का ऑप्शन डेटा भी एक बार हम लोग देख लेते हैं कि क्या है उसमें, क्या हो सकता है। बैंक निफ्टी, ये है निफ्टी, और यह बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी हम तो कॉल साइड पे पहले आ जाते हैं, 36,300 के अराउंड। देखिए अभी 36,500 जो कि हैवीएस्ट कॉल राइटर्स बैठे हैं, अभी ये देखिए 29,953,
ये जो पिछले फ्राइडे को ऐड हुए, और ये है 58,428 टोटल कॉन्टेक्ट खड़े हैं, 58,428 कॉन्टेक्ट। शायद मुश्किल होगा कि निफ्टी एक बार अटैम्प कर सकता है कि 36,500 को अटैम्प करे, या तो 36,500 क्रॉस हो जाता है तो शायद एक बार हो सकता है कि यहाँ से एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, बट बहुत कम चांस है क्योंकि मार्केट का सेंटिमेंट उतना ज़्यादा अच्छा है नहीं, आप समझ सकते हैं वो तो देख के। फिर 37,000 में देखिए 64,000 कॉन्टैक्ट खड़े हैं, 35,996 नए जो पिछले कॉन्टैक्ट ऐड हुए, एक बार 36,000 का लेवल भी दिखा सकता हूँ। अभी भी 36,000 पे देखिए 20,065 कॉन्टैक्ट, अभी भी ऐसे भी लोग हैं देखिए जिनको लगता है कि मार्केट अभी इस वाले वीक में 36,000 के नीचे जाके बंद होगा, और उसमें 13,454 कॉन्ट्रैक्ट ऐड नए भी हुए थे पिछली बार। मतलब इस तरीके से शॉर्टिंग या मार्केट का सेंटिमेंट है कि लोग शॉर्ट करना ही ज़्यादातर प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि FIs की सेलिंग चल रही है मार्केट में, तो फिर कुछ रुक नहीं पा रहा है मार्केट में। अब हम लोग पुट का डेटा भी एक बार पढ़ लेते हैं। पुट का डेटा देख सकते हैं, अभी है 36,500, 7,130 नए कॉन्ट्रैक्ट और 24,813, जो कि निफ्टी का एज अ कम्पेयर टू निफ्टी की जो वो बैंक निफ्टी का पुट है कॉल, 36,500 का कॉल कंपेयर में निफ्ट 36,500 पुट पे, जो कि लोग सोच रहे हैं कि मतलब 36,500 के ऊपर मार्केट बंद होने चाहिए, जो पुट राइटर्स हैं इनके हिसाब से मार्केट 36,500 के ऊपर रहेगा, बट एज अ कम्पेयर टू कॉल राइटर्स ये लोग आधे से भी कम है। मतलब इनकी अब ये समझिए जितना ज़्यादा होता था उतनी पावर ज़्यादा होती है, मतलब अब जिधर साइड ज़्यादा लोग होंगे उधर थोड़ी सी पावर तो ज़्यादा होगी, और अभी आप देख सकते हैं कि 36,000 ये रहा, फिर 36,000 पे अभी 44,384 कॉन्टैक्ट खड़े हैं और 17,416 कॉन्टैक्ट पिछली बार ऐड हुए, और यहाँ 20,000 ऑलरेडी कॉन्टैक्ट खड़े हैं, तो 22 तो वाले अगर यहाँ से 100 पॉइंट की भी अगर निगेटिव ओपनिंग होती है तो काफ़ी हद तक चांस है कि 36,000 पे और ज़्यादा कॉल राइटिंग होगी, और यहाँ से फिर ये लोग थोड़े से पैनिक लिए थोड़े थोड़े पोजिशन काटेंगे, और फिर शायद हो सकता है फिर 36,000 भी तोड़ दें, और फिर आप देख सकते हैं 35,500 पे मोस्टली कॉन्ट्रैक्ट सबसे ज़्यादा हैवीएस्ट पुट राइटिंग हो रही है, 48,994। तो अभी तो हम लोग यही देख सकते हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी पे क्या ही हो रहा है। अभी तक तो हम साइडवेज, और मुझे तो लगता है कि साइडवेज और निगेटिव व्यू ही होना चाहिए किसी का भी अगर ट्रेड कर रहे हैं तो। अगर लॉन्ग साइड पे ट्रेड अगर हमें लेना ही है तो एक बार मार्केट को थोड़ा स्टेबल होने दें, वरना हर बार जो भी अगर कोई उछाल आता है तो उसमें सेल करने में मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा फ़ायदा होगा, या ज़्यादा अच्छी ट्रेड उसी में बनेगी। या अगर लॉन्ग भी करना है तो कम से कम निफ्टी को 37,000 के तो ऊपर जाना चाहिए, कम से कम 37,000 के ऊपर, तब मार्केट का थोड़ा सेंटीमेंट ठीक होगा, फिर हम लोगों को कुछ अच्छी ट्रेड मिल सकती है, वो भी कंफर्म नहीं है। चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, अगर आपको पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।